नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज बड़ी बहस का मुद्दा है परिवर्तन यात्रा पर हो रही सियासत। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का बयान भी आपको सुनवाएंगे, उसके पहले परिवर्तन यात्रा शब्द का आपको क्या कुछ सियासी इतिहास से बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में साल 2013 का वक्त था जब कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होती है 12 अप्रैल 2013 से। इस परिवर्तन यात्रा ने 70 विधानसभाओं को कवर किया था और इसी बीच नक्सलियों की एक बहुत बड़ी घटना हुई और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कई नेता शहीद हो गए। आज बड़ी बहस की अहम खबर है, उसको भी समझ लेते हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश के दोनों छोर से परिवर्तन यात्रा का आगाज करने जा रही है। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बीजेपी जनता के बीच जाने वाली है। खास बात यह है कि प्रदेश के 87 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा का रोडमैप तैयार किया। ये परिवर्तन यात्रा जशपुर और दंतेवाड़ा से शुरू होने जा रही है और कल यानी कि 12 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं परिवर्तन यात्रा को दंतेवाड़ा में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं 15 सितंबर को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जशपुर से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी की यह परिवर्तन यात्रा करीब 2989 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसी बीच बीजेपी केंद्रीय योजनाओं और राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के बीच पहुंचाने का प्रयास करेगी। लेकिन परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले ही परिवर्तन यात्रा के रथ में बने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर सियासत तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस परिवर्तन यात्रा पर निशाना साध रही है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो परिवर्तन यात्रा से जहां बीजेपी जनता के बीच जाकर खोई जमीन तलाश करने में जुटेगी, तो वहीं अब इस यात्रा के रथ में बनी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर सियासत जमकर हो रही है। लेकिन इस सियासत के बीच परिवर्तन यात्रा का कितना असर जनता पर पड़ेगा, सबसे बड़ा सियासी सवाल रहेगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले दिग्गजों के बयान सुनते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के। पिछले साल भर से 90 की 90 सीटों को टारगेट करके अपना कार्यक्रम चला रही है, राजनीतिक पॉलिटिकल और टेक्निकली काम। लेकिन अब इस 12 तारीख और 15 तारीख से दो विजय संकल्प यात्रा, 12 तारीख को दंतेवाड़ा से और 15 तारीख को जशपुर से, दो हमारी प्रवृत्ति यात्रा जन जागरण के लिए, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, हमारे लाभार्थियों से सम्मेलन करने के लिए और इस भारत सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास लिखने जा रही है। जागरण का गढ़ बना दिया है, विकास के सारे काम ठप है, ऐसे में जनता परिवर्तन चाहती है और हम कल 12 तारीख को माँ दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। दूसरी परिवर्तन यात्रा 15 तारीख को जसपुर में माँ खुड़िया रानी के आशीर्वाद से प्रारंभ होगी। छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए यह परिवर्तन यात्रा है और छत्तीसगढ़ खुशहाली की ओर बढ़े, तरक्की की ओर बढ़े, इसके लिए यह परिवर्तन यात्रा है। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सबसे पहले उनको झीरम घाटी जाना चाहिए और वहाँ की मिट्टी को नमन करके फिर बस्तर से उनकी यात्रा शुरुआत करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, 15 साल में छत्तीसगढ़ महतारी की उनको याद नहीं आया और आज हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का स्पेशल दर्जा उन्होंने दिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आज छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर रहे हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी छत्तीसगढ़ी बुलवा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा है। कम से कम 15 साल बाद तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ की बोली और छत्तीसगढ़ की संस्कृति उनको याद आया। नकल कर रहे हैं,
हमारा नकल कर रहे हैं। 15 साल सरकार में रहे, कभी छत्तीसगढ़ माता की याद नहीं आई उनको, कभी राजगीत नहीं किए, कभी छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार में अवकाश घोषित नहीं किया। अब मेरे अगल बगल में दोनों साहु नेता बैठे हैं, खड़े हैं, कर्मा जयंती कितनी मांग की अवकाश दे दो, आदिवासी लोग कितना बोले कि आदिवासी दिवस भी कितना अवकाश घोषित कर दो, रमन सिंह के कान में जो तक नहीं रहेगा। अब आज छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाए, सदबुद्धि आई, अभी चले पीछे पीछे, वो पीछे रहेंगे। तो परिवर्तन यात्रा पर सियासत हो रही है और सवाल यही है कि परिवर्तन यात्रा पर ये जो छत्तीसगढ़ महतारी पर अब नई बहस शुरू हो गई है, इस पर कैसे लगाम लगेगी और कांग्रेस के सवालों का बीजेपी आखिर क्या जवाब देती है, तो ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से इन तमाम सवालों का जवाब बीजेपी निकालेगी। तो कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी केवल और केवल हमारी नकल कर रही है। तो चलिए अब हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं, युवा कांग्रेस प्रवक्ता हैं और सरकार का पक्ष भी रखेंगे। अजय जी, आप लोग कह रहे साहब कि छत्तीसगढ़िया की याद बीजेपी को पहले आई नहीं थी, ठीक है, हम लोग देखते हैं तमाम कार्यक्रमों में सरकार के या भूपेश बघेल जी के जो तमाम कार्यक्रम हैं उसमें एक छत्तीसगढ़िया झलक दिखाई देती है, लेकिन भाजपा ऐसा क्यों आपको लगता है कि इतना अछूती थी लंबे समय तक छत्तीसगढ़िया से? ये 15 साल तक सरकार में रहे, न कभी छत्तीसगढ़ परंपरा, न छत्तीसगढ़ संस्कृति, न छत्तीसगढ़ी भाषा, न कभी प्रोत्साहन देने का काम किया, न उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया। ये माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है जिसमें लगातार छत्तीसगढ़ी त्योहार तीजा, पोला, हरेली और बोरे पासी जैसे त्योहारों को प्राथमिकता दी गई। आज प्रत्येक छत्तीसगढ़ का व्यक्ति ने त्योहारों को मना के उन परंपराओं को अपना के गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देखिए, आज कहीं ना कहीं पहली बार हो रहा है कि सरकार के खिलाफ जो आरोप पत्र इन्होंने बनाया उसमें पहली बार छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया गया। और क्या ये 15 साल तक रहे किसी भी सरकारी कार्यक्रम में, किसी यात्रा में क्या कभी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाई? ये पहली बार हो रहा है कि देखिए कांग्रेस की नकल तो कर ही रहे हैं। आज सबसे पहले 12 अप्रैल 2013 को हमारे प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की नेतृत्व में आज हमने जो एक यात्रा निकाली थी जो 77 विधानसभा से गुजर रही थी, ये वही रमन सरकार है जिन्होंने जानबूझकर आज हमारी जो परिवर्तन यात्रा थी उसमें सुरक्षा कर्मियों में लगभग 100 गुना से ज्यादा कमी की, जिसका एक साजिश और षड्यंत्र का नतीजा था कि हमने कांग्रेस के परिवार के 31 नेताओं की पूरी पीढ़ी को खोया। आज नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा, विद्याधर शुक्ल सहित 31 नेताओं को हमने खोया और आज भी उस न उन पीड़ित के परिजनों को न उन नेताओं के परिवारों को आज इंसाफ नहीं मिल पाया। इसके प्रमुख रूप से 3 कारण है। उस समय रमन सरकार ने 2013 के विधानसभा में कहा भैया इस पूरम झीरम की घटना की जांच हम सीबीआई से कराएंगे, लेकिन सीबीआई को पत्र नहीं लिखा गया। आज दूसरी बात, एनआईए लगातार केस जारी देने से इंकार कर रहा है। सबसे मेन जो है पांडे जी, गणपति और रमन्ना जो प्रमुख आरोपी थे यूपीए के सरकार के बाद जब मोदी सरकार बनती है जानबूझ के जो मुख्य आरोपी है गणपति रमन्ना दोनों का नाम हटा दिया गया। तो लगातार ये चीजें बता रही है कि आज झीरम की षड्यंत्र के पीछे भाजपा के नेता शामिल थे, उसको रोकने की साजिश और षड्यंत्र लगातार इनके नेता कर रहे हैं। धरमलाल कौशिक जाके पीए लगाते हैं कि झीरम की जांच का बाधित ना हो, उसको बाधित हो और जो है पीड़ितों को न्याय न मिल सके। आखिर किसको बचाने लिए किसके इशारे पर, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बाद आज जो खून के छींटे हैं, जो 31 नेताओं की हत्या की साजिश और षड्यंत्र के जो आरोप है, जो खून के धब्बे हैं, वो फिर से उभर के सामने आ जाएंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आखिर आप प्रदर्शन किस बात का चाहते हैं? आज जो 2640-2660 किसानों को सर्वाधिक समर्थन मूल्य मिला पूरे देश में, क्या आप उसका विरोध करना चाहते हैं, उसका प्रदर्शन चाहते हैं? आज जो किसानों की कर्ज माफी की गई, 10,000 करोड़ रुपए माफ किया गया
20 लाख किसानों का, जो किसान पूरी तरह कर्ज मुक्त हुए, क्या उसमें परिवर्तन चाहते हैं? क्या आदिवासियों को जल जंगल जमीन उनके संवैधानिक अधिकार देने का जो प्रयास किया गया उसके खिलाफ परिवर्तन है? आखिर परिवर्तन किसके लिए चाहती है, किस किस बात के लिए परिवर्तन चाहते हैं? सुनील चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है सुनील जी चर्चा में आपका। सुनील चौधरी साहब, गंगवानी जी का ये सवाल है कि परिवर्तन किस चीज से चाहते हैं? कांग्रेस तो कह रही है साहब परिवर्तन तो हमने लाया है किसानों के जीवन में, आदिवासियों के जीवन में। दंतेवाड़ा और दूर सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए आदिवासी भी आज भूपेश सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहा है। तो ये तो गंगवानी जी का जवाब हो गया, लेकिन अब सुनील जी हमारे दर्शकों को बताइए कि परिवर्तन किस बात से आप देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के आम जनता को। जी जोहार छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ की जनता को हम परिवर्तन देना चाहते हैं यहाँ की भ्रष्ट, अक्षम और विश्वासघाती कांग्रेस सरकार से। इन्होंने अपने छल का घोषणा पत्र लाया, उस घोषणा पत्र के आधार पर ये कहते हैं कि हमने जो वादे पूरे किए। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 316 ऐसे वादे हैं जिसको इन्होंने छुआ तक नहीं। हम परिवर्तन चाहते हैं भ्रष्टाचारी सरकार से। हम परिवर्तन चाहते हैं रेत माफिया, शराब माफिया, कोल माफिया, जमीन माफिया, इस सरकार से हम चाहते हैं कि परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हो। और उसी का शंखनाद भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के रूप में कर रही है। हमारी 12 तारीख से माँ दंतेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए परिवर्तन यात्रा एक शुरू होगी और दूसरी 15 तारीख से हमारी परिवर्तन यात्रा सुनिए यात्राएं निकलेंगे। सुनिए तो छत्तीसगढ़ महतारी की जो तस्वीर लगी है, भूपेश बघेल साहब ये कह रहे हैं कि केवल और केवल कांग्रेस को कॉपी किया जा रहा है। हमारे सब कार्यक्रमों में हम छत्तीसगढ़िया को उठाते हैं और 15 साल तक बीजेपी छत्तीसगढ़िया से दूर रही। उन्होंने उदाहरण दिया कि कर्मा जयंती के लिए कई बार अवकाश की मांग की गई, वो रमन सरकार में नहीं मिली। अब जब बीजेपी को लगा कि छत्तीसगढ़िया तो आमजन के बिल्कुल एक ब्रांड स्वरूप हो गया है, इसीलिए बीजेपी ने भी उसको एडॉप्ट कर लिया। ये एक बहुत बड़ा आरोप लगा है आपकी पूरी पार्टी पर, इसका जवाब क्या देंगे सुनील जी? देखिए सुपा बोले तो बोले चलनी ही, छत्तीसगढ़ सरकार को सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वाले लोग जब राज्यसभा का विषय आता है तो इनके छत्तीसगढ़ियावाद की हवा, इनको नजर आती है मोहसिना किदवई, इनको नजर आते हैं केटीएस तुलसी, इनको नजर आते हैं राजीव शुक्ला, इनको नजर आती है रंजीता रंजन। ये क्या छत्तीसगढ़िया लोग हैं? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसने किया? श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। छत्तीसगढ़ राजभाषा का दर्जा किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने दिया। और छत्तीसगढ़ जो है वो कोई कांग्रेस के द्वारा पोषित पल्लवी के उनके द्वारा बनाया नहीं है। छत्तीसगढ़ तो सदियों से रहा हुआ है। और छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ में क्या एक ठीक है। अगर आप ये बात बोल रहे हैं, अगर सुनिए तो उसका एक कितना बड़ा तो एडवांटेज मिल गया। 15 साल सत्ता में भी तो रहे, इतना बड़ा एडवांटेज भी तो है। अगर आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो 15 साल हमने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की है। 15 साल लगातार छत्तीसगढ़ महतारी को समृद्ध बनाने का काम, उसको सजाने का काम, उसको संवारने का काम किया है। 15 साल लगातार जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, 5 साल में इस सरकार ने लूट खसोट से वो सारी व्यवस्था ध्वस्त करके रखी है। मैं गंगवानी जी से पूछता हूँ कि गंगवानी जी, आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि छत्तीसगढ़िया भाषा, छत्तीसगढ़िया खान पान, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आप लोगों ने 5 साल में बढ़ाया और विदेशों तक पहुंचाया? ये दावा आप लोग अलग अलग मंचों से करते हैं, लेकिन क्यों दावा करते हैं ये हमें बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए महत्वपूर्ण यह है, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से महसूस करती है। आज मुझे बता दीजिए, क्या कभी हरेली को इतने जोर शोर से मुख्यमंत्री निवास में कभी मनाया गया? क्या कभी कर्मा जयंती का अवकाश मिला? क्या कभी हरेली का अवकाश मिला? क्या विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश मिला? क्या कभी विश्व आदिवासी दिवस? रमन सिंह जी ये कह रहे थे गंगवानी साहब कि बोरेवासी तो हम लोग भी मनाते थे, लेकिन इतना प्रचार नहीं करते थे बोरेवासी का। देखिए महत्वपूर्ण यह है, आज इनको तो खुली चुनौती दी थी भैया, गेड़ी दौड़ में आ गए भूपेश के सामने। अगर आप सचमुच छत्तीसगढ़ परंपरा संस्कृति को मानते हैं तो गेड़ी दौड़ के खुद चैलेंज दिया था हमारे मुख्यमंत्री ने, क्या रमन सिंह में नैतिक साहसता स्वीकार करने का? उन्होंने स्वीकार नहीं किया। देखिए महत्वपूर्ण यह है, आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन, आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी
प्रदेश अध्यक्ष को ये हटा देते हैं। आदिवासी के वर्ग के प्रति क्या सोच नजर दिखता है? ठीक है, हम सबसे महत्वपूर्ण है आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन हमने आदिवासी नृत्य समारोह आयोजित किया। 17 देशों से ज्यादा के कलाकार, अलग अलग मंगोलिया, कनाडा, सारे बड़े बड़े देशों के कलाकार आके वहाँ अपना कला का प्रदर्शन किया। न केवल छत्तीसगढ़ में, न केवल देश में, पूरे विदेशों तक इस आदिवासी नृत्य समारोह की चर्चा हुई कि उसका भी विरोध करते रहे। मुझे बता दीजिए, आप 15 साल तक रहे, क्या कभी छत्तीसगढ़ मैतारी की मूर्ति का किसी भी जिला मुख्यालय में क्या आपने स्थापना की? क्या कभी किसी शासकीय जो आयोजन थे उसमें क्या कभी छत्तीसगढ़ मैतारी को आपने महत्व दिया? इन्हीं के प्रभारी जो है नितिन नवीन जो है, हम छत्तीसगढ़ मैतारी की मूर्ति स्थापना करते हैं विभिन्न जिला मुख्यालयों में, तो उसका विरोध करते हैं। चलिए, ये पहली बार इनको बड़ा सवाल पूछा, मैं 10 सेकंड और लूंगा पांडे जी, बोलिए। आज पहली बार देख लीजिए, भाजपा के 15 साल के आयोजन के सारे फोटो वीडियो फुटेज चेक कर लीजिए, किसी ने क्या कभी छत्तीसगढ़ मैतारी की मूर्ति रही? क्या कभी महत्व दिया गया? लेकिन एक बात ये भी तो फिर सवाल खड़ा होता है ना गंगवानी साहब, कि अगर छत्तीसगढ़ियावाद से इतना दूर थी रमन सरकार, तो फिर 15 साल लगातार सत्ता में क्यों रही? 3 पंचवर्षीय छत्तीसगढ़ में रहना ये भी मामूली बात नहीं है। मैं पूछता हूँ सुनील जी, क्या जो बात अजय गंगवानी जी ने जो बात आपसे कही है कि छत्तीसगढ़िया माता की मूर्ति का निर्माण क्या आपने किसी जनपद या किसी तालुका में करवाया था? ये सीधा सवाल है उनका आपसे। देखिए गंगवानी जी साहब, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को समझते नहीं। छत्तीसगढ़ माता महतारी की मूर्ति की आवश्यकता नहीं, छत्तीसगढ़ माता को सजाने संवारने और उसमें रहने वाले उनके बच्चों के जीवन गंगवानी जी, आपको पर्याप्त समय दूंगा, आप भी अपनी बात रखिए। गंगवानी जी आप चुप रहो, आप इतनी सुनिए, मुझको छोड़ दीजिए, मध्यस्थता मुझको छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़िया, आप लोग अपनी छत्तीसगढ़िया की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ छत्तीसगढ़िया के विषय में, छत्तीसगढ़ महतारी के विषय में मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी के भूखे जो है यहाँ के लोग को 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो में चावल देने वाली कोई सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? ये तो कोरोना काल का चावल खा गए, पीडीएस में घोटाला। अजय जी आप नोट कर लीजिए, आपको समय पूरा नहीं घोटाले में आप लोग हो, आप चाहे गोठान में घोटाला कर लेते हो, आप चाहे शराब में घोटाला कर लेते हो, आप चाहे रेत में घोटाला कर लेते हो, आप चाहे तो सीमेंट में घोटाले। अच्छा सुनील जी सुनील जी एक परिवर्तन यात्रा पे छोटा सा सवाल। माननीय शाह साहब इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग कितना उत्साहित हैं पहले तो ये बताइए, यात्रा की शुरुआत को लेकर और पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, ग्रामीण लोगों के बीच में किस तरह से जाने की तैयारी है? एक बात इस पर भी हो जाए, आज का विषय भी यही हमारा जी। ये देखिए परिवर्तन यात्रा का संघ नाद है, इस आतताई लुटेरी सरकार के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कल से प्रारंभ कर रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प इन्होंने जो वादा किया, जो छल का घोषणा पत्र लाया, एक पूरा नहीं किया। इन्होंने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटा, कांग्रेस के ATM बंद करके बैठ गए, लोगों को नंगा काटने पर मजबूर किया, छोटी छोटी बहनों बेटियों के साथ बलात्कार दुष्कर्म होते रहे। आप देखेंगे कि शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ दुष्कर्म हो जाता है, रक्षाबंधन के दिन बहनों के साथ दुष्कर्म हो जाता है, लगातार चाकू चोरी की घटनाएं घट रही है। तो ये एक परिवार के शहरों में समर्पित होने वाली सरकार है, इसलिए हम परिवर्तन। आपने चूंकि बहनों को लेकर ही बात की है, तो आज एक खबर मेरे पास भी आई थी कि छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कोई व्यक्ति जो बहनों के साथ छेड़छाड़ या दुष्कर्म जैसी वारदात में शामिल होता है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये अच्छी पहल है, इसका आप वो करेंगे, स्वागत करेंगे? देखिए ये पहल तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी इनको, इनके जो कार्यकर्ता है। चलिए देर आए दुरुस्त है पांडे जी, देर आए दुरुस्त है, क्योंकि हम बात ही वही कर रहे थे और एकदम से मुझे याद आ गया आपकी। मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है मैं अजय जी के पास आना चाहूंगा। अजय जी, एक परिवर्तन यात्रा तो आप लोगों की थी, 2013 में आप लोगों ने जरूर निकाली थी, अनफॉर्चुनेट सरकार नहीं बन पाई और नुकसान भी हमें हुआ,
व्यक्तिगत नुकसान हुआ, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं छत्तीसगढ़ के आम लोगों को भी हुआ। उनके बड़े नेता जिस प्रकार से काल के गाल में समा गए, अनफॉर्चुनेट घटना थी। पर 2018 में कांग्रेस एक अलग ही मोड में थी और जितना मजबूत 2018 में दिखाई दी है वो बीते कोई साल में नहीं, और आप लोगों ने सत्ता में वापसी की, मजबूती, बहुत ही मजबूती के साथ वापसी की। लेकिन अब बीजेपी आ रही है परिवर्तन यात्रा लेकर, बड़े बड़े आक्षेप और आरोप लेकर। कांग्रेस तैयार है जवाब देने के लिए, क्योंकि जनता आपसे भी पूछेगी कुछ सवाल। पांडे जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, थोड़ा समय दीजिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी कांग्रेस की सरकार पूरा छाती ठोक के तैयार है, क्योंकि हमने जो कहा वो हमने किया। ये मूलभूत अंतर है। हमने 36 बिंदु का घोषणा पत्र बनाया, 34 बिंदु का घोषणा पत्र पूरा करने वाली देश की इकलौती कांग्रेस की रूप में सरकार है। नहीं नहीं, झूठ है। सुनील जी, आपको भी मौका दिया जाता, प्लीज। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि आज परिवर्तन जो करना था, जो 1,00,000 का 34 घोटालों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का डकार गए थे, ऐसे कमीशन खोरी सुनील जी, मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप बोलिए। नहीं, सुनील जी, ऐसे देखिए, ऐसे चर्चा मत। सुनील जी, आप सुन लीजिए, मैंने किया है सवाल उनसे, उन्हें जवाब तो देने दीजिए। बोलिए, मेरा निवेदन है यार, सब सुनने का साथ रखिए। हाँ, गंगवानी जी, आप अपनी बात रखिए। अरे झूठ झूठ, आप उसे आप अपनी बात रखिए। या तो आगे भी तो सुन रहे थे आप, वो भी सुन रहे हैं आपसे। मैं सारे चैनल पे इनके साथ यही तकलीफ महसूस करता हूँ, लेकिन मैं आप अपनी बात रखिए गंगवानी जी, समय बहुत कम है, कुछ मिनट का देखिए चर्चा के लिए। आज जो परिवर्तन यात्रा थी पांडे जी, वो सबसे बड़ा परिवर्तन 2018 में छत्तीसगढ़ जनता ने करके दिखाया। आज जो 34 घोटालों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का 1,00,000 करोड़ रुपए जो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करके डकार गए, उस परिवर्तन को आज छत्तीसगढ़ की जनता ने करके दिखा दिया। आज जो है, जो लगातार वादा खिलाफी करते रहे, क्या आदिवासी बजे को जैसी गैस दी गई, क्या सरकारी नौकरी दी, क्या किसानों को 2100 रुपए मूल्य 300 समर्थन का दावा करने के बाद 14 की कब्जा करने वाले लोग, ये आज बड़े 2018 में चलिए चलिए, चर्चा का समय खत्म होने वाला है, आप बोलिए सुनील जी क्या कहेंगे। अजय जी ने जवाब दे दिया, 27,000 महिलाएं। चलिए सुनील जी, अजय जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। आप लोगों ने समय निकाला चर्चा के लिए, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की सियासत की बात हो रही थी, परिवर्तन यात्रा लेकर तैयार कौन है? भारतीय जनता पार्टी, हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह, और उसके कुछ दिनों बाद फिर परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने आएंगे जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ करो या मरो स्टेटमेंट वाला राज्य बन गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्ता से 5 साल से बाहर है, और अब बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लेकिन क्या आम छत्तीसगढ़िया की आवाज उठाकर बीजेपी छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की बात करके सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनका सामना है भूपेश बघेल सरकार से, जो छत्तीसगढ़िया को लेकर ही आगे बढ़ी है बीते 5 सालों से। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।